साल से पश्चिमी राजस्थान के कई जिलों में किसानों के लिए टिड्डियां आफत बनी हुई हैं। टिड्डियों की वजह से किसानों की अब तक करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। वहीं टिड्डियों के कहर की वजह से किसान अपनी जान देने को भी मजबूर हो चुके हैं। बता दें, बाड़मेर के किसान कर्ज लेकर बोई हुई फसलों को बर्बाद होते देख आत्महत्या भी कर चुके हैं। इस बीच टिड्डियों के नियंत्रण के लिए राज्य और केंद्र सरकार भी लगातार अलग अलग प्रयास करती रही हैं। कभी ट्रैक्टर माउंटेन स्प्रे से तो कभी ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों पर नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन ये सब उपाय पूरी तरह से कारगर साबित होते नहीं नजर आने पर केंद्र सरकार ने किसानों को राहत देते हुए हेलीकॉप्टर से टिड्डियों पर दवाई का छिड़काव शुरू कर दिया है। जिले में टिड्डी नियंत्रण का कार्य लगातार चल रहा है। 3 मई से शुरू हुआ था, अभी तक लगातार टिड्डी आ रही है, उसका नियंत्रण किया जा रहा है। जिले में कल तक 33,811 हेक्टेयर में नियंत्रण कार्य किया जा चुका। इसमें नियंत्रण में मुख्य रूप से ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर जो विभाग कृषि विभाग द्वारा उपलब्ध है उनका उपयोग कर रहे हैं। काश्तकारों से ट्रैक्टर माउंटेड और ट्रैक्टर किराए पर लेकर उसका उपयोग नियंत्रण हेतु कर रहे हैं। ड्रोन का भी उपयोग कर रहे हैं। आज हेलीकॉप्टर का भी इसमें नियंत्रण उपयोग किया गया शिवाजीनगर सीहोर में। तो अलग अलग तरीके से जो LCO की गाड़ी है उनसे भी नियंत्रण कार्य किया जा रहा है। बता दें, बाड़मेर जिले के शिव उपखंड के कई क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर से छिड़काव किया गया। बाड़मेर के कृषि उपनिदेशक JR भाकर ने बताया कि जिले में अब तक करीब 33,000 हेक्टेयर जमीन पर टिड्डी नियंत्रण किया जा चुका है और ये कार्य आगे भी जारी है।